आपको जैसे मार्केट में बहुत सारे फ्लावर्स मिलते हैं, हर एक फ्लावर का एक अलग ड्राइंग टाइम होता है, कि अगर आप समझो ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि रोज 2 to 3 days में ड्राई हो जाता है, तो कंपैरेटिवली अगर कोई और फ्लावर है जैसे कि ये फ्लावर है तो इसको 4 to 5 days लगते हैं, जैसे सनफ्लावर है तो उसको 6 to 7 days लगते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा फ्लावर है उसके हिसाब से उसका ड्राइंग टाइम डिसाइड होता है। बट इन सबका प्रिजर्वेशन मेथड्स अलग अलग है। कुछ लोग जो अपना नेचुरल मेथड है जैसे कि फ्लावर्स को उल्टा लटका के रख देते हैं डार्क प्लेस के अंदर, तो वो मेथड से फ्लावर्स ड्राई तो हो जाएंगे बट कलर्स मिस हो जाएंगे, मतलब उसके जो कलर्स है वैसे का वैसा प्रिजर्व नहीं होगा। सेकेंड मेथड है कि उसको लोग अवन में डालते हैं ताकि उसका हीट से वो जो वाटर है वो वेपराइज हो जाए और ये ड्राई हो जाए, तो वो भी मेथड सक्सेसफुल है। बट देन अगर आपको टेम्परेचर आपको एकदम एक्यूरेटली देखना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टेंट नज़र के सामने रखना है, आपका जो टाइमिंग है वो भी काफ़ी मैच करना है, तो वो मेथड भी आप कर सकते हो, बट उससे भी चांसेस हैं कि फूल का जो शेप है वो बिगड़ जाए। तो जो फर्स्ट मेथड है उसमें कलर बिगड़ सकता है, सेकंड मेथड में शेप बिगड़ सकता है। इसके लिए जो थर्ड मेथड है जो हम यूज़ करेंगे सिलिका जेल के साथ, इसमें आपका शेप भी प्रॉपर रहेगा और जो उसका कलर है वो भी प्रॉपर रहेगा, ताकि आपका जो मेमोरीज है वो जैसे इनकेस अगर समझो अगर आज मैंने कुछ बनाया है कास्टिंग के साथ, तो अगर समझो मैंने आज वो कास्टिंग बनाया है तो मैं 6-7 साल के बाद भी अगर देखूं तो वो कास्टिंग में जो फ्लावर्स है वो वैसे के वैसे दिखने चाहिए। अगर वो फ्लावर्स रॉट हो जाता है, अगर वाइट फ्लावर ब्राउन हो जाएगा या डार्क कलर का हो जाएगा, देन देयर इज नो यूज कि उसको मैं प्रिजर्व किया, बिकॉज जो वो दिख रहा था स्टार्टिंग में इट इज कम्प्लीट डिफरेंट फ्रॉम द फ्लावर दैट इज ड्राइड नाउ। तो उसके लिए हम जो सिलिका जेल का मेथड है वो यूज़ करेंगे।